बंदे कम होते ये वापस आए थे यार, क्या हो रहा है। आप वाहिद थे जो बगैर उसके कंप्लीट किया था आपने मोटा, बाकी सबको तो तीन चार तो हमने चढ़ा के वापस भेज दिया। वो मेरा एक छुड़िया था, वो दूर नहीं चला गया था इतना। हाँ, मुझे मैंने डाइव मार के पकड़ा था, बिल्कुल एंड में मेरे हाथ में आया वो। अरे ये लोग यूं पकड़ लेते ना, मेरी हाइट छोटी मोटी एडवांटेज था, मैं यूं पकड़ लेता। अरे आप यही पहन के आए थे अंदर घर में? नहीं ना यार, वो मैं पहन के आया था, वो शर्ट गंदी हो रही थी, मतलब चेक अपर तो दूसरा था मेरा, वो भी मैंने अंदर दबाया हुआ, मैं उसको निकालू पूरा बैग खाली कर दूँ। फिर आपने नहीं जाना इसको? यार जाना अगर लिखा हुआ है तो जाना है, फिर तो जो नसीब की बात सुने जो वो मेरी बात सुने। अबे सर मेरी बात सुने, वो हमारे वॉशरूम का कैमरा तो आ जाए। हाँ, अरे एक मिनट ना चुप करो तुम लोग सारे। हाँ, गर्ल्स वॉशरूम का एग्जॉस्ट फैन ऊपर से नीचे गिरा हुआ है और नीचे ही बेचारा रखा हुआ है कि पड़ा हुआ है। अब ये नहीं पता, हमने थोड़ी देखा है। हमारे नीचे गिर गया ऊपर से, पता नहीं कैसे गिर गया है, तो ज्यादा बेहतर है। तो वो नीचे गिरा हुआ है, तो प्लीज किसी को भिजवा के। वो तुमने भागने की कोशिश तो नहीं करी वहां से? अरे वाह, उसके बाद वॉशरूम लॉक। उस वक्त से मैंने हाथ से रहते अंदर वॉशरूम अंदर कितना करते हैं तो ये तो एक दूसरे की पोले खोल दी आगे आगे के बताया नहीं था। वो तो क्या कप लेके चली गई, मतलब ये नहीं पता कि भाई इतने पैसे लसा करे सबको इतना ही बाबा, बस अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है। कोई कुछ भी कर रहा है, अपने आप से मतलब रखो। अरे पागल रूपा ने ईद के कपड़े आप निकाले, एंड में ओ बहुत परेशान किया रात को। अबे यार रात को नींद नहीं, आप जब उठो ना मेरी आंख खुली कोई उठा, आप गए मैं अरे थोड़ी देर तक मैं लेटा मैं यार, फिर मैं यार सामने गए चला यार वॉशरूम चला था दो दफा मैंने सोचा नहीं मैं माइक पहन के कैमरे के सामने जाऊं और बोलूं मुझे डॉक्टर बुला के, दो दफा अजीब डिस्टर्बिंग सी कल अजीब माहौल था। फिर मैंने समझाया, मैंने कहा छोड़ो 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 छोड़ो, वरना मेरा दिल चाहता है बोलूं भाई डॉक्टर को बुला के, तबीयत खराब हो गई। कल करवट बदल रहा हूं, नींद नहीं आ रही है। अजीब अंडा नहीं खाते भाई, छह छह अंडे खा रहे हैं यार एक दिन में, सालन की तरह। और ये तो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर अच्छा है, अभी हम बाहर निकलेंगे तो हमारे को अंडे बताएंगे, यहाँ पर अंडे खा के आ जा जरा। ऐसे ही है बताएंगे फिर अम्मी बताएंगे क्या मंडे का। क्या बोला था आपने? हाँ बेटा अंडे खा के। हाँ भाई आओ बताए, आ जाओ आओ अम्मी बताते हैं फिर। बोलिए कोई बोला था अब हमने खिलाए थे क्या अंडे? वो बोलेगा जैसे वो नहीं कहो हमारे हैदराबाद में इसका इंतकाल रहा मेरा चचा का बेटा, वो भी गया भाई, अब ये कंधा दे रहा है इसका कंधा दोपहर शदीद गर्मी कोई ले ही जाए, इतने बोला भयन क्या हो गया इन्हें मैंने मारा क्या कंधा तो लोग नहीं करो। मैं जा रही हूँ दूसरे लैस लगाने, बहुत शार कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, ये वाले लगा के एक दिखाती हूँ, आ रही वापस।
ब्लैंक स्क्रीन दिखाए एरर आए आए भाई वर्कर जैसा बंदा उसको अब आया था फैसल मसूद कैसा फैसल मसूद तो बोला बल्ला भाई कौन है ये लोग लोग इतने फंडर ऐसी ऐसी बात है मैं नहीं कह रही हूँ तो मैं उनके साथ हफ्ते में एक दफा बात पे बैठे लगाता हूँ चीजें मिलती हैं बोलते हमें रात में वो क्या था कि जो अली भाई लाइन लेकर आए थे कि मैं जरूर किसी ने अपनी वो अली भाई लाए थे क्या अली भाई जनरल पता नहीं क्या थी ये कैसा लगा पता नहीं क्या बोला था वो भी अली भाई से पूछते यार कल तो इन्होंने जो पंच दिया एक गिर गए हम कसम से गिर गए भाई कॉमेडी अलग होती हाँ जाहिर है वहाँ तो ऑफ लो कुछ और होता है यार बहुत कुछ सोचना पड़ता है ना तो अभी आपने अभी भी सोचा आपने अभी आपने फिल्मों में चला गया ना वो जब भी तो आपको लगा हुआ है शाम से पहले अभी ही निकल जाओ अभी से प्रैक्टिस कर लो अभी रात से वापस इसी बातों पे आना है बैठ पा रही तू बैठा नहीं जा रहा हूँ खड़ी रोक गया क्यों बहुत दर्द हो रहा है मेरी बैक में मेरी स्टांग में इतने गंदे क्रैम्प पड़ रहे हैं किसके वो क्रैम्प्स पास भी अजीब सा दर्द नहीं बैठ जाता पेन किलर ले रही हो तुम पेन किलर लेनी है मैंने अभी मैंने कल भी पहन अभी सोचा है अभी नहीं ना वो मेरे ऊपर हाथ ही जा रहा तुम अपना आप तुम एक काम करो कैफलाम का सूप पी पीस के उसका कैफलाम की यखनी कैफलाम चाहिए तुम्हें क्या चाहिए कैफलाम चाहिए कुछ भी दे दो जो मुझे ठीक कर दे बस दे दो मुझे दवाइयां सारी दे दो मैं सारी खा सकती हूं मां बता अरे वाह ये ईद के सारे सूट तुमने एंड में क्यों निकाले नहीं ये तो अच्छा कलर है ये आपको लगता मैं ईद पे बनूंगी नहीं नहीं वैसे है ना नहीं आई लाइक योर आई लाइक मीस बोतल में डालो हाँ ये तो लाजमी नमक नमक बराबर करो ऐसे बोलती हो तुम खाली बस यार तुम क्या चाहते हो तुम शर्म आती है वैसे ये बोलते हो मैं अबाउट टू डाई शर्म आनी चाहिए वैसे पहले हफ्ते से ये वादे सुन रहे हैं कभी जो तुमने पूरा किया हो हमने जहर बना लिया लेकिन सुन दिया बड़े लोग बड़ी बातें अब तक तो अभी तो बैठ तक पहुंची हो जी आ गई बॉटल ले रहे हैं चालीस मिनट में जो आटा गूंदना था वो मैंने 15-20 मिनट में भून लिया था मैं तो ये भी आपको कह रही थी कि अगर हल्का सा कुछ रह गया तो वो आप बाद में भी पाँच मिनट बहुत माइनर थोड़ा सा रह गया होगा बाकी पानी की जरूरत है
एक अजीब सा पेन नहीं बन रहा था, मैं टांग जूम कर दूं, मेरे दर्द हो रहा है, मेरी खाई का खाली है तुम्हारे पास पानी पी पानी बने जा रही ये लो क्या याद करो बहुत शार्प हुए थे वो, और एक तो मैंने ऑरेंज कलर पहना हुआ था, ऊपर से मेरी आंखें मेरी खतरनाक मिली लग रही थी वो वाइल्ड कैट। एवरी वीक पूरी तैयारी करके मैंने दिमाग में सोचा हुआ होता था कि यार जाना पड़ेगा, ओके जाना पड़ेगा, ये भी होता था जाना, ओके ठीक है बस सही होगा ना, वोटिंग नहीं हुई होगी ना, इतनी वो दिमाग में जाहिर है वो चल रहा होता है। Look who's here, Mr. Ali Sikandar. With a very smart jacket. I like the jacket. क्योंकि मैं जैकेट्स की दीवानी हूँ। मुझे जैकेट बड़ी पसंद है, मेरी खुशियों को साथ रख के जान तो पहले नुआ गना। हर बंदा जितने खतरे के घर में सब आगे ये कह रहे हैं मुझे कि मेरा कुछ सामान जाने से पहले मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है तो अपना दिल छोड़ के जाएंगे ना। सही बात, सामान दी बड़ी गल है। वो दानिश भाई आपने यहाँ फैजान फैजान यहाँ स्टेटमेंट देना जाया कर। सही गल है, खाते जा मन के माया। आज कॉफी वाली चाय पी है मैंने 43 days के बाद। अपनी चाय में मैंने आपको बताया ना मैंने हमेशा कॉफी डाल के पीती हूँ। आपने मेरे कप में तो नहीं थी कॉफी, ये थी थी नहीं, मैंने चाय बनाई है ऐसे, कॉफी सबने अपने हिसाब से ऐड करनी आपने मैडनी, मैंने तो सिर्फ चाय बनाई थी। मैंने बोला इसको हिला ले, मैंने थोड़ी देर वो जो आपने कल खिलाने वाली मैंने आज अपने वाला टेस्ट 43 days तो मेरे उन्होंने कॉफी जाया की या वेट कर लेते आप लंच टाइम पे बना लेते। मैंने बोल दिया चारों तरफ रोशन हो गए ऐसा नहीं लग रहा है जगह। वही कह रहा हूं ना कि वो लंच टाइम में बना लेते आप, यूं करें कॉफी का मिक्सचर कौन सा खराब हो जाता है। ये सूजी भी है जगह थोड़ी सी, क्यों पेन तो नहीं सूजी है, ऐसे ही है यहां पे क्या सूजी होती है, पेन तो नहीं है, नहीं तो फिर सही हो जाएगी। और हमेशा धूप होती है कराची में, इस्लामाबाद कराची का मौसम इतना अच्छा कि इसमें आपको ना ज़्यादा सर्दी मिलती है ना ज़्यादा गर्मी मिलती है, सही है, थोड़े थोड़े वक्त ही आते हैं। सही बात है, अगर कराची में थोड़ा मेंटेन कर देना और थोड़ी सफाई अच्छी कर दे तो कराची का शहर है ही नहीं। मैं वही हमेशा कहती हूँ कि कराची के साथ सतेलों वाला सलूक किया गया है, यतीमों वाला, मतलब कराची एक वो यतीम बच्चा है जो यतीम बच्चे को मकैनिक की दुकान पर लगाते काम कर गया, वो काम करके वो काम भी करता है, वो कमाता भी है, खाता भी है, पूरा घर भी चलाता है, उसको कपड़े अच्छे मिलते हैं, पहनने को ना खाने को अच्छा मिलता है, सही बात है, घर भी वो चला रहा है, ये यतीम बच्चे को मेंटेन किया जाए। वाकई ऐसा लोग आते हैं यहाँ पे इधर से उधर से लूट लाट और देता है ऐसे बना के और जाके खर्च करते हैं बाहर। और ये कराची मैंने 40 साल होने वाले हैं, मेरे को मैंने जितने भी लोग देखे हमारे भी कारखाने में लोग आते हैं, उन्होंने अपने वहाँ पर घर वर सब बना लिया,
अब क्या होता है, जो भी बाहर से आते ना आज के लिए, जो यहाँ पे जूस लेने वाले हैं वो तरक्की नहीं कर पाते। कराची के ऐसा शहर है जो बाहर से आता ना उसको पहले भाव में लेता है यार। ये वो बनते हैं जो यहाँ रहना है, उनको 40 साल से रहना वैसे के वैसे वो नहीं बन पाते जान। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तंग गलियां गुम रसते, वहशत में भी हम हंसते, हम हैं तो है दुनिया, हम चाहे जो कर सकते, दिन में भी यहाँ तो अक्सर दिखते हैं तारे वारे। मेरे चीते सुन ले ये कहानी, मेरी जुबानी शहर की। यार लड़कियों का भाई समझ ही नहीं आता, अपने मन तक चलती है बस। ये कह रही थी शुगर है, उन्होंने इसको पहले ही रोक दिया, अभी इसने किए नहीं थे। सुबह से दो अलार्म बज गए हैं रूबा के, 50,000 रुपए ना कटवा देंगे, अल्लाह रहम करे। नहीं कह रही थी ये दोनों बहुत ज्यादा एंटरटेन करते हैं, और वो भी ये भी मुझसे तो पूछा था कि अल्लाह रहम करे ये लोग कहाँ जाए। नेहा का एक ही वो है पहले दिन से लेके आज तक, प्रोवोक करना और सुबह की बातें करना। मेरे बात से मैं फिजान के नजर ही नहीं आता, किसी कोने में बैठा हुआ तो सब में प्याज काटता हुआ या सिखाता बुझाता पढ़ाता हुआ शायद दिख जाता हो पता है। ऐसे ही बाकी अब वही बड़ी बात है ना कि हम लोग तो घर के अंदर बैठे हुए, हमें पता ही नहीं है कि बाहर की क्या स्टोरियाँ चल रही हैं, क्या नहीं चल रही, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। अब तो बात ही सारी वो वाली बात ही नहीं रही है, तो बात ही सारी वोटिंग की हो रही है। वही तो मैं कह रही हूँ, बस अल्लाह ताला खैर करे इंशाल्लाह। बाहर जो लोग देख रहे हैं ना उनको भाई वो तो लिहाज नहीं करते ना, बिल्कुल भी नहीं करते। और एक सबसे पहला बात होती है जब कोई चीज टॉप ऑफ द टाउन होती है तो जिसने नहीं बोलना ना वो भी उसमें वो भी बोल पड़ता है। हाँ, और उसमें कभी भी ये नहीं होता कि सारे एक ही नजरिए के लोग, वहाँ पे भी एक अलग लड़ाई चल रही होगी। तो जो आवाम जिस साइड की भी है वो वेट में होती है कि कब कोई लूज बॉल दे और वो धाड़े। अभी तो मुझे वही मैं कह रहा था ना कि हमें एटलीस्ट एक महीना लगेगा वो सारी चीजों को गो थ्रू करने में, जो कहीं हमें टैग हुई होंगी, इधर शेयर हुई होंगी, पता नहीं क्या क्या होगा। अब स्टोरीज तो हट जाती होंगी लेकिन बाकी पता नहीं कितना कुछ होगा यार। अभी आर्टिकल्स हो रहे होंगे, हर बंदा अपनी अपनी राय दे रहा होगा, व्लॉगर्स व्लॉगर्स सब एक्टिव हो गए। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे नई मूवी कोई आती है सब उस पर तबसरे करते हैं, वो इंडिया से भी, पाकिस्तान से भी, बाहर से भी। अभी हमारे हर एपिसोड के रिव्यूज आ रहे होंगे बिल्कुल, जिसमें वो बता रहे होंगे जिसमें ये मुंशी हैं, ये गैलेक्सी लॉलीवुड वाले हैं और बहुत सारे लोग हैं, वो सब बड़ी खरी खरी राय देते हैं, वो लिहाज नहीं करते किसी का। अम्मा 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 मेरे लिए दुआ करी अम्मा, अम्मा मेरे नाल नाल रही अम्मा, आई लव यू अम्मा। अम्मा के रिव्यूज मुझे बड़े पसंद है यार, ऐसे अम्मा ना वो दोनों भी बहुत अच्छा शो करते हैं, वो जो अपने दोनों रिव्यूज देते हैं ना, वो अम्मा के साथ जरा और माहौल में होते हैं, आपस में जरा और माहौल होती है तो फिर तो वही बोलती है।
से अपना टाइम लेके ये वो फिर वो आराम से वैक्यूम शुरू करेंगे। अरे वो तो एंटरटेन हो रहे थे तो उसके लिए तो ये वही वाली बात है कि यार ये तो फिर जमीन की वीक होना हुआ ना कि आप इतना करा ही नहीं सके ड्यूटी पूरी। अरे आपकी परवाज ये 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 रानी इनके उसमें हिला भी नहीं हुआ हिला सका कोई। एक प्लम्बिंग का इशू हुआ हुआ है टॉयलेट में ड्रेन का ना वो हालांकि उसकी कोशिश बड़ी ही थी शुरू के दिनों में जब काम करके इन चीज़ों पे आ जाते हैं ना जब आप इन चीज़ों पे आ जाते हैं कि आज मैंने अपना काम करना है आपने अपना काम करना है देखिए उन्होंने ज़रा सी वजारत में इस चीज़ की अथॉरिटी अगर वो की ना तो उसको फिर ये बोला जाएगा कि वो बड़ा कंट्रोल कर रहा है लोगों को हालांकि वो कोई इंटेंशनली वो चीज़ नहीं कर रहा उसको करना पड़ेगा तो इस वजह से वो ऐसा नज़र आ रहा होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो पहले दिन से आखिरी दिन तक जो जो ड्यूटी उन्होंने असाइन की उसी बंदे ने वो ड्यूटी की है लास्ट डे तक अनटिल अनलेस कि आपकी कोई बहुत ऐसी जेन्युइन रीज़न हो आप बीमार हो या कोई वो काम करना नहीं चाहते जैसे कि मैं नहीं करूँ मुझे नहीं करना तीसरा दिन हो गया यार वो खड़े होकर खुद रात के भी खुद हो गया क्यों हम भी तीन तीन वक्त क्योंकि लोग कम हैं हम भी तीन तीन वक्त काम कर रहे हैं सब करें ना यार अब तुमने अपने ही आपको 2-3 ड्यूटीज असाइन कर दी हैं और उसका खाली एक वो साफ नजर आ रहा है वो बिल्कुल सही नहीं यूज कर रहा है जहाँ पे जो चीज मुझे लगता है जो चीज गलत है वो जेल इज नॉट द सॉल्यूशन जरूरी नहीं है हाँ बिल्कुल जब तक कोई बगावत नहीं होता किचन सारा साफ करता है यही खराटे तुम्हारे गूंजते रहते हैं रानिश ये तुम्हारी सांसों में भरे हैं वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं आप जाते ही साथ में फिर करवाऊंगा कुछ उम्मीदें सोचती हैं लाइक कभी भी सोई हुई ये वाले जैसे सुन सोना उस दिन से टॉस सुन हां सोई भी सुन हो जाती है आज इस बाजुओं में दर्द था सुबह दर्द तो है लेकिन सोए में मैंने नोट किया 2 दिन से सिर्फ हो रहा पहले कभी नहीं हुआ कि मेरी बकायदा ये वाली 3 उंगलियां सुन होती हैं तो मैं यूं करके नींद में झटकती हूँ फिर से बिल्कुल सुन हो जाती होंगे और ये बर्फ वाले टास्क के बाद से होना शुरू हुआ कभी भी नहीं होता और अभी भी हुई हुई है ये वाली तो क्या डॉक्टर को दिखाना है बोलूंगा देखा कहा था ना अच्छा अभी सुबह सुबह मुझे डिप्रेशन स्टार्ट ना करें प्लीज आप नहीं नहीं ठीक है रिलैक्स ब्रो इट्स अ गेम इट इज जस्ट अ गेम यू नो नो ब्रो गेम है यार गेम में भी गेम है तो इसलिए और आज 7वां हफ्ता शुरू हो गया और आज एनिमेशन का भी है और मैं भी खतरे की घंटी में खतरे के घर में वो देखते हैं क्या फैसला आया है आप लोगों का आपने किसको बचाया 4 बंदों में से क्योंकि वोटिंग तो अभी बंद हो चुकी होगी लेकिन 24/7 जो चल रहा है हमारा उस पर मेरे ख्याल से वोटिंग आप कर सकते हैं तो अगर आप ऑफिस में हैं या अपने गांव पे और अगर आप मोबाइल में कहीं पर हमारा शो देख रहे हैं तो प्लीज़ ARYZ ऐप पे जाएँ और डाउनलोड करें डाउनलोड करने के बाद मुझे वोट करें और मुझे बचा सकते हैं आप और आज देखें 7 हफ्ते हमने यहाँ पर 6 हफ्ते हमने मुकम्मल कर लिए और अब 7वां हफ्ता है और 6 हफ्ते में सेफ रहा टास्क खेल के जीता रहा लेकिन इस हफ्ते में अनफॉर्चुनेटली टास्क नहीं जीत सका एक टास्क में बॉल करीब से आया लेकिन अरूफा ने उसमें बॉलें डाल दी उसका दिन था वो जीत गई दूसरा भी टास्क बड़ा अच्छा था हमारा उसमें नताशा जीत गई तो लक थी उनकी और ऑफिस भी मैं नहीं जीत सका और अली सिकंदर मैं फैजान भाई और नेहा हम चारों अब हैं डेंजर जोन में और आज देखते हैं कि हम चारों में से कौन 2 जाते हैं क्योंकि आज 2 बंदों ने निकलना है तो बहुत अच्छा रहा बहुत अच्छी जर्नी रही जितने लोग रहे बड़े अच्छे रहे लड़े भी झगड़े भी प्यार भी किया
गम भी बांटे, रोए भी, गाया भी, नाचे भी। एक इन 6 हफ्तों में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी और मेरे ख़्याल से मेरी ज़िंदगी के बहुत अच्छे मोमेंट्स में से ये मोमेंट रहेगा। ये जो छोटा सा स्पेल है हमारा, ये छोटे से हमारी ज़िंदगी जो है वो ये शायद पूरी ज़िंदगी याद रहेगी। क्योंकि मैं अकलौता था, घर में अकेला रहता था, ना बहन था ना भाई था। तो यहाँ आके मुझे वो कमी भी पूरी हो गई मेरी, कि हम लोग मिलके रहते थे, बहन भाइयों की तरह रहते थे, एक घर में रहते थे, साथ नाश्ता बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बर्तन धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, डाल रहे हैं, प्यार मतलब एक दूसरे से गम शेयर कर रहे हैं और हंस भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, नाच भी रहे हैं। तो थैंक यू सो वेरी वेरी मच तमाशा बादशाह सलामत यार भाई, कि इस छोटे से दिनों में, मतलब कुछ हफ्तों में मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी और बहुत मिस करूंगा। अगर चला गया तो बहुत याद आएगी और काश एक हफ्ते और रुक जाता, थोड़ा टाइम और गुजार लेता। लेकिन अभी भी नाउम्मीद नहीं हूँ। पब्लिक ने अगर चाहा हो तो हो सकता है वो कुछ भी कर सकती है, मुझे बचा लिया हो। कि मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहा था कि बिल्कुल इंसाफ से चलूँ, न्यूट्रल चलूँ, एंटरटेन करूँ, ताश में भी अच्छा खेलूँ और बताऊँ दुनिया को कि मैं अभी मैं उम्र से ही बात कर रहा था कि जब मैं पहली दफ़ा आया था और आपने मुझे देखा था तो कैसा लगा आपको, तो आपको क्या लगता था कि आपने मुझे देखा था तो टास्क के बारे में क्या सोचते थे मुझे लेके। तो उसने बोला यार मैं यही सोच रहा रानी भाई कि आपको देखे कि यार ये हम लोग जो है मतलब यहाँ पर 5'9" 5'8" 5'7" में 6'2" हम सब एक हाइट के बंदे हैं और आपकी हाइट इतनी नहीं थी। तो बोला यार क्या करेंगे टास्क में। लेकिन जब आपने पहला टास्क खेला उसके बाद आपकी पूर्ति देखी, फिर हम हर सांस में बात करते थे कि यार दानिश भाई किस टीम में, तो यार दानिश भाई ये तो आपका है। तो बोले हम टेंशन में रहते यार ये बहुत तेज़ नहीं निकल जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला करवाता है, अल्लाह ताला ने करवाया। मैंने अल्लाह से ही मांगा था और यही ख्वाहिश की थी कि मैं यहाँ से जाऊँ तो हीरो बन के जाऊँ। क्योंकि हर बंदी ये ख्वाहिश होती है कि वो अपनी, मेरी एक बेटी है तो मैं स्कूल भी जाता हूँ जो छोड़ने, या कोई भी बच्चे होते हैं वो अपने बाप को हीरो समझते हैं कि ये हमारे वाक्य सुनाते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस चीज़ में करता था कि यार एक चीज़ है तो वो ज़ाहिर सी बात है, मैं तो अल्लाह का शुक्र है नहीं समझता कभी भी अपने आप को कमतर किसी, जो ना मैं हूँ वो ना होना चाहिए किसी को। अल्लाह ताला ने अगर आप में कोई चीज़ कम रखी तो बहुत सारी चीज़ें बढ़ा के दी हैं और वो मेरे में है, अल्लाह का शुक्र है। और आई लव माई हाइट, क्योंकि इस हाइट की वजह से अल्लाह ताला ने मुझे ये मुकाम दिया। हो सकता है मेरी हाइट नहीं होती तो शायद मैं आज आम बंदों की तरह जी रहा होता। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत भी दी, लोग मुझे जानते भी हैं और इसकी वजह से मैं टेलीविज़न, फिल्म, थिएटर सब कर चुका हूँ। तो शायद ये नहीं होता तो मैं आम बंदों की तरह कहीं 9 to 5 जॉब कर रहा होता। बहरहाल तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ से जा रहा हूँ तो हीरो बन के जा रहा हूँ। मैंने अपना हस्ताज अच्छा खेला है और मैं, मेरी बेटी अब बोल सकती है कि मेरे बाबा जो हैं वो देखें तमाशा लगा के मेरे बाबा ने कैसे लड़ा है, कैसे जीते हैं। तो उसके बाद सबूत भी है, उसके बाद दिखाने को चीज़ें भी हैं। और अगर मैं 7वें हफ्ते पर चले आता हूँ और मैं टॉप 5 पर चले आता हूँ तो उससे बड़ी मेरे लिए और क्या बात होगी कि वो बोले कि मेरे बाबा टॉप 5 पर गए। आगे टॉप 5 में जाने के बाद ऐसी बात है जिसके नसीब में होगा, जो डिज़र्व करता होगा अल्लाह ताला उसको जितवा देगा। और मैं भी जीतने आया था, हाँ, लेकिन मैं जीतने आया था, किसी को हराने नहीं आया था। तो मुझे एक बचपन में एक बात सिखाई थी, जब मैं जब आया था थिएटर सीखने, नज़र भाई मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे एक बात बताई थी, वो बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। वो बात मैंने अपने दिमाग में बिठाई भी है और शायद वो आपके भी काम आए। ज़िंदगी में कभी भी किसी मुकाबले में जाएँ, उन्होंने मुझे कहा था कि अखाड़े में 2 पहलवान उतरते हैं, एक इस घर से उतरता है, लेकिन मुझे करना चाहिए। अगर पहले दिन उसने झूठ बोल के चेंज कराई कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तुम कर लो बदला, अगले दिन उसने कहा कि अब तो आपकी तबीयत ठीक है आ जाए तो कहती मुझे भी धोने, हाँ उसे मना कर दिया। हाँ वही तो कह रहा हूँ, मुझे भी धोने।
जबकि चीखें मारने के लिए ये वही लड़की है जो कहती है मैं तो किचन में बहुत काम करती हूँ, जितना ये भागती है उतना कोई भी नहीं भागता। बट वही है ना, यहाँ पे कोई समझ नहीं सका। 44 डेज हो गए अभी तक इनको नहीं समझ आया कि मेरा क्या इशू था। ग्लूटेन वाकई में एक मसला बन जाता है, उससे डायबिटीज का भी इशू हो जाता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं ग्लूटेन से। तो वो वही समझ सकता है जो टॉलरेट नहीं कर पाता, और आप लोग समझ गए। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग वाकई में समझ गए कि मेरा ग्लूटेन का क्या प्रॉब्लम चल रहा था। तो प्लीज़ इस ग्लूटेन फ्री लड़की के लिए ज़रूर वोट करना है आपने, हैशटैग ग्लूटेन फ्री को जितवा दो प्लीज़, हैशटैग ग्लूटेन फ्री को जितवा दो प्लीज़, हैशटैग ग्लूटेन फ्री को जितवा दो और फिनाले में पहुंचा दें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करें और नेहा के लिए वोट करें। जब आप ने मुझे देखा था पहले पहले दिन, तो मैं काफ़ी सिली फनी स्टूपिड हरकतें करती थी, सबके साथ कोई ना कोई प्रैंक करती रहती थी या पोक करती रहती थी। फिर जवाब में मुझे भी लोगों ने पोक किया है, लेकिन हाँ मुझे बुरा नहीं लगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ माइंड कर लिया होगा, बट इट्स ओके, ये ज़िंदगी है, ये ऐसी चलती रहती है। और बहुत साफ दिल से आई थी मैं यहाँ पर, मेरी नीयत में कोई वो नहीं था। अभी भी ऐसे ही है कि बहुत साफ दिल से जाऊंगी, लेकिन आपने ये दुआ करनी है आज मेरे साथ प्लीज़, कि मेरे लिए ये दरवाज़ा ना खुले आज और मैं आपके साथ फिनाले में हूँ। आपने मुझे ये दुआ देनी है और मेरे लिए ये दुआ ज़रूर करनी है। मत भूलिएगा कि ये लड़की फिनाले में पहुँच जाए, एक आम सी लड़की जिसके लिए यहाँ घर में रहना बहुत 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 मुख्तलिफ लोगों के साथ रहना बहुत मुश्किल था, वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी दुआओं से फिनाले में पहुंच जाएगी। तो प्लीज़ आज दुआ कीजिएगा और तमाशा सीजन 2 की विनर भी बनेगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो आपने हैशटैग ग्लूटेन फ्री को वोट करना है, नेहा ऑफिशियल को फॉलो करें इंस्टा पे, ढेर सारे फॉलोवर्स होने चाहिए जब मैं वापस जाऊँ प्लीज़। और टिकटॉक पे भी आप मुझे ढूंढ के फॉलो करें, नेहा खान लिखेंगे मेरा हैंडल आ जाएगा, बाल देख के आप पहचान जाएंगे कि मैं ही हूँ। और इंशाल्लाह इस घर के बाद एक नया सफ़र शुरू होने वाला मेरी ज़िंदगी का, उस पर फिर मुलाकात होगी। आप लोग मुझे ज़रूर देखेंगे स्क्रीन पर, आप लोग मुझे देखते रहेंगे, तो इसलिए अगर आप मुझे और देखना चाहते हैं तो मेरे लिए वोट करना है आपने। मिस्टर शेरी भी कह रहे हैं कि आप सब ने वोट करना है, और आप सब ने अपने दोस्तों को भी बोलें, दोस्तों को भी बोलें, अपने रिश्तेदारों को बोलें, सबको बोलें कि मेरे लिए वोट करें, हैशटैग ग्लूटेन फ्री को जितवा दें प्लीज़, हैशटैग ग्लूटेन फ्री को जितवा दें। और एंड आई एम ग्लैड कि मेरी वजह से ये इशू जो है ग्लूटेन फ्री डाइट का, ये लोगों को पता चल रहा है। मेरी वजह से थोड़ा बहुत जितना भी अगर इंफॉर्मेशन मिली है लोगों को कि वाकई में किसी के आटा और चावल खाने से पेट में दर्द हो सकता है, टॉलरेंस लेवल जो होता है किसी किसी का कम होता है, कुदरती है ये इसमें कोई वो नहीं है, साइंस नहीं है या ये बाद में नहीं हुआ, ये कुदरती था। हाँ, किसी को कभी जल्दी पता चल जाता है, किसी को देर से पता चलता है, डॉक्टर ही बताते हैं कि क्या मसला है, तो वो एक नेचुरल इशू होता है। बट आई एम ग्लैड कि वाकई में बहुत सारे लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है इसमें, और वो समझ गए क्या मसला था। तो इसलिए आपने मुझे ज़रूर वोट करना है, ग्लूटेन फ्री के लिए ज़रूर वोट करें, हैशटैग ग्लूटेन फ्री को जितवा दें, और ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड कर लें फ़ोन पे, टैब पे, जहाँ भी हैं आप 24/7 देखें और मुझे वोट करें।
नेहा को आज आप सेव कर रहे हैं और मैं दुआ मांगूंगी कि आज ये दरवाजा मेरे लिए ना खुले, ये मेरी किस्मत का दरवाजा मेरे लिए आज ना खुले। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सुबह सुबह इतनी अच्छी बातें करके आपके साथ, और ढेर सारा पानी भी पीते रहे हैं बाहर, आई एम श्योर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, और अपना दिन अच्छा सा गुजारें। अगर ऑफिस जा रहे हैं तो ख्याल से गाड़ी चलाएं, सुकून से जाएं, अच्छा अच्छा दिन गुजरे आप लोगों का सबका बस, और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मैं बहुत सफ़र काट के आई हूँ बहुत तब्दील हो गई हूँ इस घर में आने के बाद, बहुत तब्दीलियाँ आई हैं मेरे अंदर, मेंटली भी और फिज़िकली भी बहुत सारी। ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने मुझे वोट करके बचाया है, आपकी ही वजह से मैं यहाँ हूँ, बस मुझे वोट देते रहें, फिनाले में विनर बना दें आप मुझे प्लीज़, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, उम्मीद है कि आपने मेरा सफ़र यहाँ पसंद किया है, और अगर आपको और ज़्यादा पसंद आया है तो आप मुझे आज बचा लेंगे, सो प्लीज़ मेरे लिए वोट करें, और इस बात के लिए भी वोट करें कि वजारत में मुझे फिर से, वजारत की रेस में मुझे फिर से इन होना चाहिए, सो काइंडली प्लीज़ दुआ करें आने वाले हफ्ते में मैं वज़ीर भी बन जाऊँ एक ख्वाहिश थी मेरी, वो ख्वाहिश छोटी सी क्यूट सी पूरी हो जाए, वरना इट्स ओके, जो आपको मंजूर और जो मंजूर वही होगा, सो प्लीज अच्छी नींद। उन लोगों का जिन्होंने मेरे फैन पेजेस इंस्टाग्राम पे बनाए हैं, मैं इतनी खुश हूँ मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा है, वो मैं खुद देखूंगी तो मुझे थोड़ा सा यकीन आएगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। और कराची में आप मुझे जिस इलाके में भी अभी देख रहे हैं, सही है, आप मेरी दुआ है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, और आप मुझे भी दुआओं में याद रखें। मुल्क से बाहर भी जहाँ भी देख रहे हैं, सबका दिन बहुत 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 अच्छा गुजरे, और आपने मेरे लिए दुआ ज़रूर करनी है कि मैं यहाँ पे जीत जाऊँ, प्लीज़ इसी दुआ के साथ, इन्हीं अच्छी बातों के साथ आप सबका दिन बहुत, दुनिया भर में जितने भी लोग देख रहे हैं मुझे, सबका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आई लव यू ऑल दिल से, वाकई आप लोगों ने आप, मैं बता नहीं सकती आप लोगों ने मेरे लिए क्या किया है, और मैं कितना ब्लेस्ड फील करती हूँ, आप लोगों की मोहब्बत है कि आपने मुझे इतने हफ्ते तक बचा के रखा। इवन दो मैं टास्क में कमज़ोर हो जाती हूँ कहीं ना कहीं, दिमागी तौर पे कहीं ना नहीं कहीं कुछ ना कुछ हो जाता है तो नज़र लग गई है लेकिन आप मेरी नज़र हटा सकते हैं, सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मुझे वोट करें, प्लीज़ ARY's ऐप ऐप डाउनलोड करें, और नेहा को आपने जितवाना है, नेहा ये जीत डिज़र्व करती है, आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ, आपकी आवाज़ बन के आई हूँ, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, एक आम सी लड़की की ज़िंदगी बदलने जा रही है सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों ने बदलनी है बस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। यहाँ देख रहा हूँ मेरी बॉटल है, माशाल्लाह, और ये मैं तुम्हारी उठा के चली गई थी, नारफी को बोलो तुम वहाँ लोशन उठा कर ले आए, फैजी सामने रखा कर, दानिश भाई पीछे घूम रहे हैं कमरे में, दानिश भाई इसका लोशन उठा के दे दे मुझे, ब्लू वाला लोशन सामने ही रखा है,
मेरा लोशन में एलोवेरा ऐसा लगता है उसकी बहुत डिफरेंट मीठी सी खुशबू है जो किसकी मेरा लोशन की कोई सा भी दे दे अब पता नहीं इसका ब्लू 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 ले आए ले आए इसका भी ले आए छोड़े इसमें है नहीं दो हाँ लाइन अबे उल्टा कर रहे हैं ऐसे कर इसका पाइप नीचे पाइप नीचे ऐसे निकलेगा इससे लाओ ऐसे ले लो लाओ लो उसका काम तमाम हो चुका लेकिन इसकी खुशबू ज्यादा अच्छी है ब्लू वाले से ये यहाँ नहीं मिलता मैं बाहर से मंगवाता हूँ दो मुझे चाहिए इसका ब्लू वाला इधर का है ये कहाँ से मंगवाता मैं कनाडा से जी मेरी भी ताया से बात तीन तीन चार चार एक साथ मंगवा कर रखी हाँ ताकि स्टॉक में हाँ साल निकल जाता हो गया बस और कुछ सलाद रहता ऐसे नाम छुपा के लेके मैंने सऊदी से भी लिया इसलिए मुझे फर्क था ये हमने बचपन से बाकी जो होलसेल में जाकर दो नंबर अच्छा मैं गया नहीं कभी बड़ा अच्छी जगह मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों के हिसाब से था क्योंकि आप मस्जिद थी कि आपको अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करनी सुबह नाश्ते में आके तो मुझे मजबूरन आपको जेल में डालकर आपके हिस्से का काम करना पड़ा आपकी जगह पर तो उसके बाद से आपको नॉर्मल होना चाहिए था मेरे साथ जो कि आप नहीं हुई आप एक दिन लेती आप दो दिन लेती लेकिन नेहा आप थर्ड डे तो दोस्ती का कुछ तो पास रखती लेकिन नेहा आपसे उम्मीद नहीं लगाना चाह रही थी मैं आपसे भी मैंने उम्मीद लगाई आपने मुझे हर्ट किया मुझे याद रखना चाहिए था आपने अंबर जी के साथ क्या किया था जब अंबर जी सारा घर आपके खिलाफ था और अंबर जी आपके साथ होती थी आपका ख्याल रखती थी आपके बुखार में आपके साथ साथ होती थी आपकी दवाइयों का ख्याल रखती थी लेकिन आपने तो नेहा उनको भी सुना दिया था कि आपने क्या किया मेरे लिए तो जाहिर सी बात है आप मेरे लिए भी बोल सकती हैं बड़ा आराम से कि नताशा तुमने क्या किया मेरे लिए तो आप मैं नेहा के लिए मैं नेहा की हरकतों पे हर्ट थी कि उसने अगर मैंने उसे दोस्ती करनी ही चाहिए तो उसने दोस्ती की आड़ में मेरे साथ बहुत बुरा किया फिर तो उसके बाद अरूबा को आप ले लें आप लोग देख रहे थे पूरे वीक से अरूबा मेरे साथ बहुत नॉर्मल चल रही थी मेकअप रूम में बाहर यहाँ हर जगह किचन में डाइनिंग टेबल पर फिर अचानक अरूबा का क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव होते हैं तो वो पॉजिटिव रह ही नहीं सकते कोशिश करके भी नहीं रह सके तो ये लोग तो 6 दिन भी पॉजिटिव नहीं रह सके फैजान एंड अरूबा नेहा का तो चले पहले दिन से ये प्रॉब्लम है कि उनका आधा घंटा नॉर्मल होता है आगे 4 घंटे उनके गुस्से वाले और प्रोवोक करने वाले होते हैं लेकिन ये लोग तो ये टिक ही नहीं पाए उस एक पेज पे रह ही नहीं पाए जो हम लोगों ने सोचा था कि आखिरी के जो 2 वीक्स हैं 10-12 दिन हैं ये हम लोग सबको प्रूफ दें कि यार हम लोग अच्छे भी हम अंदर से अच्छे हैं एक्चुअली तो वो ये दो लोग नहीं कर पाए और मुझे बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों हुआ है फैज़ान को यू टर्न लेते हुए भी मुझे बहुत दुख हुआ और इट्स ओके 7 डेज लेफ्ट हम लोगों ने अपने अपने घर चले जाना है लेकिन इन लोगों की नेचर जो है वो समझ में आ गई है कि जो दिल में रख लिया वो रख लिया अब सारी ज़िंदगी दुश्मनी से ही गुजारनी है एनीवे आज एलिमिनेशन डे है दो लोग जाएंगे और कोई एक जो है वो शायद वज़ीर बनेगा लास्ट वीक में और फिर हमें एक जो टास्क दे दिया गया है कि 30 मिनट्स 45 मिनट्स 45 मिनट्स हमारे खाने पीने का और तैयार होने का जो है वो भी एक टास्क है जो लास्ट डे
ऑफ दिस वीक चलता रहेगा, हमें ये भी पूरा करना है. और बस ऐसे ही चल रहा है. मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, जैसे मुझे दो तीन दिन से बहुत प्रोवोक किया जा रहा है कि मैं बोलूँ, मेरी पुरानी बातों को लेके मुझे टॉन्ट किया जा रहा है, जबकि मैंने आज तक या शायद कभी, आज तक तो नहीं, मैंने बहुत कम शायद किसी को पुरानी बातों के ऊपर टॉन्ट किया होगा कि तुमने वो किया उस वक्त, तुमने वो किया. तो कोशिश की जा रही है, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं एक्चुअली मैं थक गई हूँ. मैं हूँ नहीं ऐसी कि मैं लड़ूँ किसी से. मैं अगर जब भी लड़ी हूँ तो जब मुझे लगा है कि ये सबके लिए ज्यादती होने लगी है और पांच लोग अगर चुप खड़े हुए हैं तो उनमें एक मैं भी आती हूँ जिनमें मेरे साथ भी ज्यादती हो जाएगी. तो वो जो पांच लोग चुप खड़े होते थे या छह लोग खामोश खड़े होते थे, तो मुझे लगता था कि मैं तो बोलूँ एटलीस्ट इन छः के लिए जो बात नहीं करना चाह रहे या डर रहे हैं किसी बात पर या खुलना नहीं चाह रहे हैं आप सबके सामने. तो मैं वहाँ पर सबके लिए जो है वो स्टैंड लेती रही हूँ और मैं सबके लिए बात करती रही हूँ. लेकिन सीरियसली मैं आप सब लोगों को बता रही हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ ऐसी. क्योंकि बाहर की ज़िंदगी में तो ये हर चीज़ हर वक्त ये चीज़ें नहीं हो रही होती ना कि आपकी ज़िंदगी में आप कोई ना कोई यहाँ से आता है प्रोवोक करने, कोई यहाँ से आता है प्रोवोक करने, कोई पीछे से, कोई सामने से. इवन बाथरूम जाकर मैं प्रोवोक मुझे किया जा रहा होता है, मेरा बाथरूम जाना अजाब हो जाता है. अगर एक या दो अरूबा तो नहीं, खैर मैं अरूबा का बाथरूम के लिए नाम नहीं लूँगी, अगर नेहा बाथरूम में होती हूँ तो मेरा बाथरूम यूज़ करना एक अजाब होता है. सीरियसली जो कुछ मुझे सुनने को मिल रहा होता है. खैर मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जिस तरह से सबका ख्याल कर रही हूँ, मेरी एक्चुअली नेचर यही है कि मैं सबका ख्याल करती हूँ. और कभी कभी तो ऐसा भी होता है मेरी इस घर से बाहर की ज़िंदगी में कि मैं सबका इतना ख्याल करती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें भूल जाती हूँ. जैसे मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ तो मैं उनकी सारी चीज़ें प्रॉपर करके किसी ट्रैवलिंग में भी करके अपनी चीज़ें भूल चुकी हुई होती हूँ कि यार. फिर मैं अपने मैके में अगर होती हूँ तो मैं सबका ख्याल कर रही होती हूँ तो एंड पे मुझे याद आता है कि मुझे अपना फलां काम करना था, वो तो मैं करना भूल गई. तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हैं, किसी को भी किचन में खड़े होकर टांगे तोड़ने का शौक नहीं होता. एक तो मैं बहुत दिल से किचन में सबके लिए खाना बनाती हूँ जब से मैं खाना बना रही हूँ, और मैं दिल से सबके साथ बैठ के खाना खाती हूँ, मैं दिल से सबके साथ बातें कर रही होती हूँ. मेरे अंदर अगर मुझे लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं आ रहा तो मैं उसके सामने बैठ कर उसके साथ बातें भी नहीं कर सकती, पता नहीं क्यों. क्योंकि मुझे ये लगता है और मुझे ये सिखाया गया है कि ये मुनाफिकत होती है कि मुझे अगर मेरे दिल में किसी की दुश्मनी है और मैं उसी से प्यार मोहब्बत भी सामने जता रही हूँ, हंस भी रही हूँ, उसके साथ चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ, तो ये मुनाफिकत होती है. दैट्स रियली बैड. जैसे आप लोगों ने देखा कि नेहा ने मुझे मेरी वजारत के आखिरी दिन से लेकर अभी तक बहुत प्रोवोक किया, तो मैं नेहा से बात नहीं करती. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं नेहा से बात ना करूँ, क्योंकि वो प्रोवोक करने के अलावा मुझे और कुछ करती ही नहीं है. मैं कोशिश करती हूँ मैं ना बात करूँ, वो सामने आके बैठ जाती है, मैं कोशिश करती हूँ मैं खामोश हो जाऊँ. उसी तरह मैंने अरूबा के साथ भी किया था कि अरूबा शायद नहीं ठीक होना चाह रही, तो ठीक है मैं बात ही नहीं करती, तो मैंने बात नहीं की थी. अरूबा ने हंस के बात करनी शुरू की, मैंने भी करनी शुरू की, लेकिन अरूबा ने एक दफ़ा फिर बताया कि वो दिल में रखने वालों में से हैं, दिल साफ करने वालों में से नहीं है. और पहले दिन की दुश्मनियाँ तो सही, लेकिन जो इस वीक की नई उन्होंने खुद बनाई हैं, क्रिएट की हैं चीज़ें कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो वैसी हो, तुम तो फलां हो, तो वो वाली सारी दुश्मनियाँ रख कर वो मुझसे बात करती रही. अमेजिंग, आई मीन स्ट्रेंज. आप दिल में इतनी दुश्मनी रख कर मेरे साथ गप्पे मार रही हैं और आप मुझे कह रही हैं घर में भी तो बहन भाइयों की लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में भी तो बर्तन खड़कते हैं. तो अगर आप इतना मेरी बातों को रिपीट करती हैं, ये बातें मैं कहती हूँ हमेशा कि घर में भी तो लड़ाइयाँ होती हैं, तो फिर आप मेरे पे चल के भी तो देखें कि दिल साफ भी करते हैं. खैर मैं कोशिश करूँगी कि क्योंकि मैं थक चुकी हुई हूँ गाइस, फैंस, फ्रेंड्स, फैमिली, सब जो भी जितने भी लोग